तो चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका विजयनगर के प्रमुख भवन। लिख लो मेरे भाई इसको, विजयनगर की प्रमुख भवन। मैं बता दूं आप लोग को, विजयनगर के उत्खनन अर्थात जब उसको खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, तो उस क्रम में कई विशाल आकर्षक भवन प्रकाश में आया मिला। उनमें से तीन आज भवन का हम परिचय करने जा रहे हैं। वैसे तीन भवन जो थे वह प्रमुख थे, पहले उन तीनों भवन का नाम लिख लीजिए, फिर तीनों को एक एक करके बताएंगे हम। एक नंबर में लिखिए महानवमी दिब्बा। दिब्बा दूसरा है कमल महल। महल और तीसरा है हजार राम मंदिर। ये तीन भवन जो मिला है अभी तक वह काफी आकर्षक, काफी विशाल हैं। इन्हीं तीनों के विषय में आज हम एक एक करके परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले महानवमी दिब्बा आप बीच में लिखिए। इसको अगर आप लोग लिख लिए तो एक बार पेन नीचे कीजिए, सुन लीजिए। महानवमी, ये महानवमी शब्द जो है दुर्गा पूजा का पर्यायवाची शब्द है। अपने तरफ दुर्गा पूजा कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है, और विजयनगर में उसी दशहरा को, उसी दुर्गा पूजा को महानवमी कहा जाता है। और एक भवन प्रकाश में आया है, खोज हुआ है, और उस भवन का नाम महानवमी डिब्बा था। फिर उस भवन के उद्देश्य, उस भवन का क्या कार्य था, क्यों बनाया गया था, इस पर जब खोज होने लगा तो वैसे तो स्पष्ट जानकारी अभी तक मिला नहीं है, अभी तक इसका सही पता लगाया जा ही रहा है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिक स्थल था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये राज सिंहासन मंच था, यहाँ पर राजा आते थे, विचार विमर्श करते थे, अपना राय देते थे, विचार देते थे। और राजा को इसलिए महानवमी दिब्बा से जोड़ दिया गया या जोड़ा जा रहा है क्योंकि विजयनगर के जितने भी राजा थे, सम्राज थे, सब अपने आप को देवी का अंश मानते थे, देवी का स्वरूप मानते थे, और उसको प्रूफ करने के लिए वो पूजा पाठ पर अधिक ध्यान देते थे। हर राजा के प्रांगण में अर्थात जहां राजभवन था उसके पास में एक विशेष मंदिर पता चला है, और वह उस मंदिर में राजा के साथ साथ सिर्फ उसके परिवार पूजा करते थे। और इससे यह पता चलता है कि राजा कितने धार्मिक क्षेत्र में, कितने देवी देवता की पूजा में विश्वास रखते थे। तो शायद महानवमी दिब्बा के विषय में समझ गए। मैं थोड़ा सा इसका आकार बता दूं, ये 11,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और इसकी ऊंचाई 40 फीट ऊंची थी। समझ सकते हैं 40 फीट, 40 फीट का मतलब समझ आइए कि एक मंजिल जो मकान होता है वह 10 फीट का लगभग होता है। 4 मंजिल की मकान बड़ा ऊंची वो ये महानवमी दिब्बा भवन था उस टाइम। थोड़ा आकर्षक और विशाल है, इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए आपको दिया गया है। तो
चलिए अब इसके संबंध में आप लोग नोट कर लीजिए। खुदाई के क्रम में एक बड़े भवन के अवशेष प्रकाश में आया है, जिसको महानवमी दीपा के नाम से पहचाना गया है। यह 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। प्रताप चेंज। इस भवन को कुछ विद्वान राज सिंहासन मंच मानते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी इसके वास्तविक स्वरूप का पता लगाया जा रहा है। यहां तक कि यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह महानवमी, जिसे उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और दक्षिणी भारत में नवरात्रि या महानवमी कहा जाता था, इसी के नाम पर इस भवन का नाम महानवमी डिब्बा पड़ा। तो आपने महानवमी डिब्बा क्या है, क्या इसकी विशालता है, इसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, दशहरा और दुर्गा पूजा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अंतर यहाँ पर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि महानवमी शब्द जो है उसी के लिए अपने यहाँ दशहरा शब्द का प्रयोग होता है और बंगाल में दुर्गा पूजा शब्द का प्रयोग होता है। उसी का दक्षिणी भारत में अर्थात कहिए कि विजयनगर में महानवमी कहा जाता था, अर्थात इसी दुर्गा पूजा को पर्यायवाची शब्द हो गया ये सब। जी और कोई? अनुष्ठान का मतलब होता है खास कोई कार्यक्रम, उसी को अनुष्ठान कर, जैसे कि शादी विवाह होता है तो अनुष्ठान हो गया एक तरह से। जी न्यायनिधि, कोई दिक्कत है न्यायनिधि? दिक्कत नहीं है? चलो सैनिटाइजर रखते हैं बगल में ही आप। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है कमल महल। अब कमल महल बीच में आप लोग लिखिए। तो इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए। कमल महल, मेरे भाई, विजयनगर के उत्खनन के क्रम में शाही केंद्र अर्थात राज दरबार में ही एक अति सुसज्जित भवन का अवशेष मिला है और उस भवन को अंग्रेजी जो या इंग्लैंड के जो लोग आए थे यात्री देखने के लिए, तो वही लोग इसको कमल महल या लोटस भवन के नाम से पुकारा है, तथा उसको लोटस भवन उसी दिन से कहा जाने लगा है। इस भवन को क्यों बनाया गया था इस पर अभी भी इतिहासकार लगा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह काउंसिल चैम्बर था, अर्थात यहाँ राजा उसके मंत्री आकर विचार विमर्श करते थे, प्लान बनाते थे कैसे सुरक्षा करना है, कैसे क्या करना है, राय विचार करते थे। तो कमल महल भी विजयनगर के प्रमुख भवनों में से
एक साबित हुआ है। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। शाही केंद्र में उत्खनन के क्रम में एक अति सुरक्षित सॉरी एक अति सुसज्जित भवन प्रकाश में आया जिसे अंग्रेजी यात्री ने कमल महल का नाम दिया। इस महल में 9 मीनारे थी जिसमें बीच की एक मीनार सबसे ऊंची थी जबकि अन 8 मीनार एक समान ऊंचाई की थी। यह भवन किस कार्य के लिए बनाए गए थे उसका स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह काउंसिल चैंबर था। यहां पर हमने लिखे हैं काउंसिल चैंबर था जहां राजा अपने सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करता था। तो इस तरह से आपने कमल महल या लोटस महल के संबंध में छोटी सी जानकारी आपने प्राप्त की। अगर इसमें समझने में या किसी भी तरह में अगर दिक्कत है तो आप एक बार पूछ लीजिए हमसे। सर शाही केंद्र क्या है, एक बार फिर से बताएं। शाही केंद्र मतलब होता है राजशाही केंद्र, अर्थात जहाँ राजा रहते राज दरबार होते हैं उसी को शाही केंद्र। अब तो आगे बढ़े जी, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको इसी में है हजारा राम मंदिर, इसको लिखिए आप बीच में उसी तरह से लिखिए हजारा राम मंदिर। यस मैं बता दूं आप लोग को, हजारा राम मंदिर विजयनगर के शाही केंद्र में ही राजा के इलाका में ही एक राजभवन में ही एक विशाल मंदिर था जो काफी भव्य मंदिर था और इसका विकास भी एकाएक नहीं एक क्रमवार हुआ है। और वैसे तो कई मंदिर का वहां पता चला लेकिन यह सबसे विशाल और भव्य मंदिर था इसलिए आपको पता चल गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर के उत्खनन के क्रम में भवन के अतिरिक्त राजकीय केंद्र में राजकीय केंद्र में अनेक मंदिर के अवशेष मिला है। इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण हजारा राम मंदिर है। इसका निर्माण विरूपाक्ष द्वितीय ने करवाया था। मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिर थे। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई भव्य गेट बनाए गए थे। इस मंदिर में सिर्फ राजा और उसके परिवार के सदस्य पूजा करते थे। इस तरह से आपने हजारा राम मंदिर को जान गए और समझ गए। अब हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है कम नहीं है आगे समय, अतः आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।